हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम इस टाइप के टिंटेड पेपर्स बनाएंगे जिसे हम ग्रीटिंग कार्ड्स के लिए, पेंटिंग्स के लिए और बहुत सी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स गो। हम लेंगे कुछ यूज्ड पेपर्स जिन पर ऑलरेडी लिखा हुआ है और वो कोई यूज़ के नहीं हैं। अब हम लेंगे एक टब, उसमें लेंगे थोड़ा सा पानी और उस पानी में पेपर्स के छोटे छोटे टुकड़े करके सोक होने के लिए रख देंगे। अब इसे 4-5 घंटे भी सोक कर सकते हैं या ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं। पानी का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इंक के वजह से। उसके बाद हम एक मिक्सर ग्राइंडर लेके पेपर्स को उसमें डाल देंगे। उसमें हम थोड़ा सा पानी भी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद मिक्सर को फिर से हम टब में ले लेंगे। अब जो कलर्स के पेपर लेंगे वही कलर का पेस्ट आपको मिलेगा। अब एक बड़े से टब में हम इस पेस्ट को डाल देंगे। इसमें डालेंगे हम 2 टब पानी। और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि सारे पेपर्स के पार्टिकल्स अलग अलग सेपरेट हो जाए। क्योंकि ये कलर बहुत डार्क है इसीलिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा वाइट एक्रेलिक जिससे थोड़ा लाइट हो जाए। अब हम एक लेंगे छन्नी बड़ी साइज की। इस छन्नी को पानी में डिप करके ऊपर ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं पेपर के पार्टिकल्स छन्नी पर है और एक्सेस वाटर हम पूरा निकाल देंगे। अब जो एक्स्ट्रा वाटर छन्नी में है उसे निकालने के लिए हम एक क्लॉथ का यूज़ करेंगे। धीरे धीरे से इसी तरह से प्रेस करना है जिससे पूरा पानी क्लॉथ सोख लेगा। आप कोई स्पंज का भी यूज़ कर सकते हैं वाटर को निकालने के लिए। अब हम धीरे धीरे से इस क्लॉथ को निकाल लेंगे। यही प्रोसीजर आपको जब तक करना है तब तक आपको ना लगे कि पानी पूरा निकल चुका है। और अब हम इसे सूखने के लिए रख देंगे 5-10 मिनट के लिए। जब तक वो सूखता है तब तक हम छोटी छन्नी से फिर से बनाते हैं एक छोटा साइज का पेपर। अब सेम वही प्रोसीजर से इसका भी हम एक्स्ट्रा वाटर रिमूव कर देंगे और सूख जाने के बाद इसे हम निकालने की कोशिश करेंगे। 1-2 बार टैप करने से वो इजीली निकल जाएगा। अब हम बड़ा वाला ट्राई करेंगे। 1-2 बार टैप करेंगे और ये बराबर से नहीं आया है, पर आप इसे थोड़ा भी टच मत कीजिए वरना ये फट जाएगा। थोड़ा सा सूख जाने के बाद आप इसे स्ट्रेट कर लेना या फिर आयरन की मदद से ये बाद में भी स्ट्रेट हो जाएगा। तो सूख जाने के बाद ये कुछ ऐसे दिखेंगे। मैंने ये पेपर्स को स्ट्रेट भी कर लिया है और इन्हें आयरन भी कर लिया है और आप देखिए कि इनका कलर भी अब लाइट हो गया है। कुछ इस तरह से उनका टेक्सचर होगा। ये 3 डिफरेंट साइजेस जो हमने बनाई थी। ये कुछ और पेपर्स है जो मैंने पहले से बना के रखे थे। आप लोग इन पेपर का यूज़ एक्रेलिक पेंटिंग्स के लिए कर सकते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने के लिए कर सकते हैं या किसी को गिफ्ट देने के लिए इसके ऊपर कोई अच्छा सा मैसेज भी लिख सकते हैं। यही साइज़ के एक पेपर पर मैंने एक एक्रेलिक पेंटिंग बनाई है। इस पेंटिंग में मैंने एक्रेलिक कलर्स यूज़ किए हैं। आप देख सकते हैं कि इसका टेक्स्चर एकदम कैनवस की तरह है। I hope you like this video. For more such videos, please subscribe to my YouTube channel.
थैंक यू फॉर वॉचिंग।